केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहां उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है। इस पर वृंदावन के बीजेपी पार्षद ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम है वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बताया कि एक धार्मिक समूह जो एक राज्य में बहुमत में है वह दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। इस पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 65 से बीजेपी के पार्षद रसिक बल्लभ नागार्ज ने सहमति जताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुने। आप क्या बिल्कुल उनके लिए मिलना भी चाहिए। एक्चुअली केंद्र सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से की गई बात और जो जो पैरवी की गई है इस बात के लिए बहुत सही स्पष्ट है, क्योंकि आज देखिए सरकार की जो भी योजना लागू होती है आज बहुत सारी जगह पे मानिए हिंदू हैं तो हैं और भी लोग हैं तो और भी लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे राज्य जैसे यहाँ पे हिंदुओं की बहुत कमी है तो यहाँ पे हिंदुओं की कमी है, हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे बिल्कुल इन लोगों के लिए जो दर्जा मिलना चाहिए। दर्जा मिलने से क्या होता है जो भी हमारी योजनाएं आती हैं, हालांकि योजना सबके लिए मिलती हैं लेकिन एक दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद में विशेष जो योजनाएं विशेष रूप से जो दर्जा प्राप्त व्यक्तियों की जो मिलती हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए मिलेंगी। उसका कारण ये है कि आज उनकी वहाँ पर संख्या बहुत कम है। अब यदि माना कि यदि किसी प्रकार से कोई सरकारी योजना आती है, सरकारी योजना आने पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, अब आवेदन होने पर क्या होता है कि जो कम है तो लोगों का मौका नहीं मिल पाता। तो एक अधिकार व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये जो जो सुप्रीम कोर्ट से जो वाली बात कही जा रही है भारत सरकार के द्वारा ये स्वागत करने योग्य बात है और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं।